हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ग्रामर चैप्टर 3 नेगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस। तो आपको पता है कि थ्री मेन सेंटेंसेस टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इन सब में भी हाँ या ना बा, हम पास्ट में भी जिए हैं, हम प्रेजेंट में भी जीते और फ्यूचर में भी जिएंगे। मीन्स हमने कल क्या किया, आज क्या करते हैं, रोज क्या करते हैं, आज क्या किया और कल हम क्या करेंगे, ये सब हम हमारी एक्टिविटी रोज की हमारी होती ही है। आज जो हमने किया वो कल पास्ट हो जाएगा, आज जो अभी हम कर रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में आता है और कल हम क्या करेंगे वो फ्यूचर टेंस में आएगा। या फिर अभी 5 या 10 मिनट के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, वो सब आता है फ्यूचर टेंस में। तो सभी टेंसेस में अफर्मेटिव और नेगेटिव तो होता ही है, हाँ या ना में, अफर्मेटिव और नेगेटिव, हाँ या ना। मीन्स जब हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना में जवाब देना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना में देना है तब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देते हैं, तो शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। अब वो मेरी दोस्त नहीं है ऐसा मुझे कहना है तो उसके लिए मुझे, तो स्टूडेंट्स अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं जिसे आई एम अ नर्स, मैं नर्स हूँ, इसका हमें नेगेटिव करना है तो आई एम नॉट अ नर्स, मैं नर्स नहीं हूँ। ही वॉज हियर, वो यहाँ था, वो यहाँ था और वो यहाँ नहीं था, तो he was not here, वो यहाँ नहीं था। They were good friends, वो अच्छे दोस्त थे और इसका नेगेटिव करना है तो they were not good friends, वो अच्छे दोस्त नहीं थे। तो स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ सिंपल से सेंटेंसेस जिसमें हम ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हमें दिए है इज, एम, वाज, वेर, उसके हम हेल्पिंग वर्ब के पीछे हम नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाते हैं। पर जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है और उस ऐसे सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हमें क्या करना है और कैसे कैसे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं ये हमें अब देखना है। कहा जाता
है। अब इसका हमें जब नेगेटिव बनाना होता है तो जैसे कि सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा बनता है आई, तो हमने सबसे पहले लिखा आई, फिर आई है, मैंने आपको थर्ड स्टैंडर्ड में भी सिखाया है कि आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ ऑलवेज डू वर्ब आता है। फिर डबल ई वी, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ भी डू वर्ब आता है। फिर देखे तो यू, ये जो यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें भी यू सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो हमें इसके साथ डू वर्ब भी लिखना होता है। वैसे ही थर्ड पर्सन प्लूरल दे, ये दे प्रोनाउन के साथ भी डू वर्ब आता है। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिया है आई, तो आई में हमें कहा है कि उसके साथ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का यूज करना है, जब हमें उसको नेगेटिव में चेंज करना है तब। तो यहाँ पे हमें ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें डू और डज का यूज करने के लिए कहा है, मींस कि या तो डू लिखो या डज लिखो, दोनों में से जो आता है वो आपको लिखना होता है, दोनों को हम लिख नहीं सकते हैं साथ में, डू डज नॉट ऐसा हमें लिखना नहीं है। डू आता है तो डू लिखो, डज आता है तो डज लिखो। यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमें आई के साथ हमें जो वर्ब आता है वो हमें डू और डज में से डू का यूज करना है, आई डू। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो डू के बाद हमने क्या लिखने के लिए यहाँ फॉर्मूला में कहा है नॉट, तो डू के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे कहा है कि हमें मेन वर्ब लिखना है या फिर जो हमारा सेंटेंस में डूइंग वर्ड एक्शन वर्ब दिया है उसको हमें लिखना है, तो हमें यहाँ पर कौन सा एक्शन वर्ब दिया है, ईट, ईट माने खाना, यहाँ पे आई है तो ईट आया है, तो हम डू नॉट के बाद ईट का ईट ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जब सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन दिया है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल पे दिया है सब्जेक्ट, तो उसके साथ जो भी एक्शन वर्ब दिया होता है वो वैसा का वैसा ही, जब हम उसका नेगेटिव करते हैं तो नॉट के बाद वो वैसा का वैसा ही उसको लिख देना होता है, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं होता है। तो यहाँ पे आई डू नॉट ईट और फिर जो भी नाम में आता है वो सब लिख देना होता है हमारे, यहाँ पे दिया है बनाना एवरीडे एंड में करना होता है फुल स्टॉप। अब ऐसा दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, शी ईट्स अ बनाना, वो बनाना खाती है, वो बनाना खाती है। अब इसका हमें नेगेटिव करना है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कहा है सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमें यहाँ दिया है शी। अभी एक और बात आपको याद रखनी है कि आपने ये देखा कि आई वी यू और दे के साथ तो आता है डू, पर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि शी ही और इट प्रोनाउन जब एज ए सब्जेक्ट होते हैं तब उसमें हमें जो वर्ब यूज करना होता है वो हमें यूज करना होता है डज, वो हमें यूज करना होता है डज, शी डज, ही डज, इट डज। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी, इसलिए हमें जो वर्ब यूज करना है वो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डज हमें यूज करना होगा, डज, शी डज। अब नेगेटिव बनाना है इसलिए हम क्या लिखेंगे, नॉट, शी डज नॉट। फिर हमें लिखने के लिए कहा है मेन वर्ब, हमारा यहाँ पे वर्ब है एक्शन वर्ब वो है इट्स, वो है इट्स, हमने यहाँ शी यूज किया इसलिए इट का इट्स यूज किया क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए। तो अब हमने यहाँ पर उसका नेगेटिव करने के लिए हमने डज वर्ब लिया है, डज वर्ब आता है तो डज आया है, तो यहाँ पे इट्स है उसके बदले हमें लिखना पड़ेगा ईट। जब हम कोई भी ऐसे ड्रिंक वर्ड्स होते हैं जब वो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तब उस ड्रिंक वर्ब का, उस एक्शन वर्ब के पीछे एर
बाद हमें वो जो एक्शन वर्ब होता है उसको हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा, यानी कि एस 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 डबल एस सी एच ई एस जो भी है उसको निकाल देना पड़ता है और जो मेन वर्ब होता है वो हमें लिखना होता है। सी डज नॉट ईट अ बनाना, वो बनाना नहीं खाती है, वो बनाना नहीं खाती है। तो ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। और फिर कहा है आईएनजी वाला वर्ब,
तो आईएनजी वाला वर्ब हमने यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉइंग, यहाँ पे हमने दिया है ड्रो का ड्रॉइंग, तो हम ड्रॉइंग को यहाँ लिख देंगे ड्रॉइंग, नॉट के बाद हम लिखेंगे ड्रॉइंग, और उसके बाद हमें अ पिक्चर दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ अ पिक्चर, और एंड में कर देंगे फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी मैंने आपको सेंटेंस समझाया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। पास्ट में ही वाज और वेयर यूज होता है, प्रेजेंट में इज एंड आर यूज होते हैं। प्रेजेंट में इज एंड आर यूज होते हैं, पास्ट में वाज वेयर। तो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और ये सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मैंने आपको समझाया। अब हम ऐसे पास्ट सिंपल पास्ट के हम नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सीखे, हमने सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी हमने नेगेटिव आपको मैंने सिखाए और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस सिखाए। अब हम पास्ट सिंपल टेंस सीखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस मींस पास्ट मींस भूतकाल। कल मैंने क्या किया, अभी सुबह मैंने क्या किया, दोपहर को क्या किया, वो सब जो भी मैंने एक्टिविटी की थी, जो भी मैंने किया था वो पास्ट हो जाता है। तो पास्ट में वाज और वेयर का सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें वाज और वेयर आते हैं। और बाकी अब हम सेंटेंस में देखते हैं कि क्या कैसे बनते हैं पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले तो उसका भी फॉर्मूला देखते हैं कि सब्जेक्ट आता है प्लस उसमें डिड, फिट, नॉट और पेन, उसमें जो वर्ब आता है वो मेन वर्ब आता है, उसमें मेन वर्ब आ जाता है प्लस नाउन और एंड में फुल स्टॉप कर देते हैं। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे, वैसे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में हमें डिड नॉट का यूज करके हमें उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो एग्जांपल देखते हैं अब हम। ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, वो कल क्रिकेट खेला था, कल खेला था, वो कल क्रिकेट खेला था। ये सेंटेंस पास्ट में वो कैसे पता चलेगा आपको कि जो एक्शन वर्ब है हमारा उसके पीछे डी या ईडी लगाया होता है, तो समझ लेना है कि ये सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस हो सकता है, वो पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। अब इसका हमें नेगेटिव करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है ही, उसका फर्स्ट लेटर हमें करना है कैपिटल। अभी हमें कहा है सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है, डी। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, पास्ट में ऑलवेज डिड ही यूज होता है, डू और डज का यूज नहीं होता है, या फिर एम इज आर का भी यूज नहीं होता है, यहाँ पे यूज होता है डिड। ही हो, शी हो, ईट या दे, आर, यू, जो भी आता है तो उसमें डिड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ वर्ब जो आता है वो डिड ही आता है। फिर हमें कहा है नॉट लिखने के लिए, तो हमने लिख दिया नॉट, ही डिड नॉट, फिर कहा है मेन वर्ब, यानी कि जो हमें यहाँ पास्ट वर्ब दिया होता है उसको हमें मेन वर्ब में चेंज करके लिखना होता है। मींस कि यहाँ जो मेन वर्ब है उसके पीछे डी या डी या कभी कभी वो पूरे के पूरे डी और ईडी के बगैर भी वो पास्ट में चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक्शन वर्ब के पीछे डी या ईडी आते ही है।
तो ऐसे जो वर्ब जिसके पीछे डीआईडी लिखा होता है उसको डीआईडी को निकाल देना होता है और उसका मेन वर्ब हमें नॉट के बाद लिखना होता है। तो हमने यहाँ लिखा ही डिड नॉट प्ले अ क्रिकेट यस्टरडे। यस्टरडे वो कल क्रिकेट नहीं खेला था। और एक एग्जांपल हम देखते हैं उसका, they were my friends, they were my friends। यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने कोई भी एक्शन वर्ब नहीं लिया है। इस सेंटेंस में मैंने, ये सेंटेंस पास्ट का है यहाँ पे, क्योंकि वेर हमें वर्ब यूज किया हुआ है, तो ये सेंटेंस है पास्ट का, पास्ट टेंस का है, पर फिर भी यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब यूज नहीं हुआ है। अब इसका नेगेटिव हम करें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट में वर्ड होता है यूज करते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमें करना होता है कैपिटल। फिर यहाँ पे हमें वर्ब यूज किया है वेर, तो देयर वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव में चेंज करना है, तो देयर वर नॉट माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे दोस्त नहीं थे। ये सिंपल सा एक सेंटेंस लिया और ये मैंने एक्शन वर्ब वाला सेंटेंस लिया है और उसको ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ये दोनों, और ये दोनों है वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाए जाते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स हमें कुछ मॉडल वर्ब्स का यूज करके नेगेटिव बनाना है, वो अब हम सीखेंगे। कुछ मॉडल वर्ब्स यानी कि can, could, should, would, इन सबका, can, may, might, could, should, इन सबका यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो जैसे कि can का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। can मतलब सकना, कुछ भी काम कर सकते हैं। मैं कोई काम कर सकता हूँ, ऐसी हमारी वो काम करने की शक्ति को बताना कि हाँ मैं गीत गा सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं तमिल समझ सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में हमें यूज करना होता है कैन है, कूड है, शुड है, मैं, माय, ये जो सब वर्ब है उसे मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। तो हमें यहाँ सीखना है कैन, कैन क्या अफर्मेटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ। अब मुझे कहना है कि मैं गा नहीं सकती हूँ, तो आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकती हूँ। और एक बात याद रखना, नेगेटिव जब कैन नॉट वाले नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो उसमें कैन और नॉट को साथ में लिखना होता है, दोनों के बीच में ऐसे स्पेस रख के आप लिख नहीं सकते हो, ये हो जाता है रॉन्ग। उसको ऐसे साथ में ही आप लोग लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना होता है। कैन और नॉट को अलग अलग लिखा तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकता। फिर है दे कैन वॉक, वो चल सकते है। अब वो नहीं चल सकते है तो दे कांट वॉक। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस सेंटेंस में कैन नॉट एंड कांट लिया है, मींस ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स का भी सेंटेंस इसमें यूज कर सकते हो। तो ये हमने देखे कैन मॉडल वर्ब का हमने यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, उसके अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम ये जो सभी शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव फुल फॉर्म होते हैं, कैन नॉट, इज नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वेयर नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, ये सभी जो फुल फॉर्म है नेगेटिव के
फिर है कैन नॉट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट, वॉज नॉट, वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉजंट, फिर है वेर नॉट तो वेरंट, फिर है डिड नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, उसको बोला जाता है शॉर्ट में डिडंट, फिर है डू नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डन, फिर डज नॉट, उसको शॉर्ट में लिखते हैं डजंट, डजंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ आपको फुल फॉर्म सिखाए, नेगेटिव फुल फॉर्म्स, और ये है उसके शॉर्ट फॉर्म जो आपको इस चैप्टर में आज सीखने थे। तो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।